तो दोस्तों फाइनली कल रियलमी का लॉन्च इवेंट था और लॉन्च इवेंट अटेंड करने के बाद आपका भाई सामने आपके हाजिर हो गया है बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेकर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि उनकी प्राइस क्या लॉन्च हुई है रियलमी C1 की, रियलमी 2 प्रो की, और वो क्या अपनी प्राइस के अंदर बेस्ट फोन्स हैं। और दोस्तों ये भी आपको बताऊंगा कब से आप उनको बाय कर पाएंगे ऑफलाइन मार्केट, ऑनलाइन मार्केट। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और जानते हैं। दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो करना बनता है और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। पहले मैं आपको बताता चलूं इनकी प्राइस के वाले से। दोस्तों रियलमी ने बेसिकली कल दो फोन्स लॉन्च किए हैं। पहला था रियलमी C1 जो कि एक एंट्री लेवल या फिर आप बजट फोन कह सकते हैं, जो क्या है 18,000 के अंदर। दोस्तों इसके अंदर आपको 2GB रैम, 16GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है और इसके साथ आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं मिलती है, तो आप आसानी के साथ एक मेमोरी कार्ड भी और दो डुअल सिम भी इस्तेमाल कर पाएंगे, मतलब कि आप जो है स्टोरेज को एक्सपेंड कर पाएंगे डुअल सिम के साथ साथ। दोस्तों आगे जो रियलमी ने एक और फोन लॉन्च किया वो है रियलमी 2 प्रो। दोस्तों इसके अंदर आपको 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। दोस्तों ये एक पहला ऐसा फोन है जो मिड रेंजर के अंदर आपको 8GB की रैम प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों अब मैं आपको बताता चलता हूं कि इन फोन्स को बाय करने का तरीका क्या है, कहां से आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों पहले ये फोन आपको daraz.pk पे अवेलेबल होंगे। जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि फोन की daraz.pk के साथ रियलमी की कुछ कोलैबोरेशन वगैरह हुई है जिनसे ये daraz.pk पहले सेल आउट करेंगे, बाद में आपको ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल होंगे। दोस्तों जो रियलमी C1 और रियलमी 2 प्रो है आपको 9-10 जनवरी तक आपको दराज के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। वैसे मैं इनका जो स्टोर है ऑफिशियल स्टोर रियलमी का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उनको फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको ये होगा कि जब भी रियलमी का फोन स्टॉक इन होगा तो आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दोस्तों यहां अगर मैं आगे बात करूं यहां ऑफलाइन मार्केट की, मतलब कि आपके बाजारों में कब से फोन बिकने शुरू हो जाएंगे, तो यहां दोस्तों आपको ये फोन्स हैं जनवरी के आखिर तक देखने को मिलेंगे। जनवरी के आखिर तक ये आपको मार्केट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। अभी तक ये कंफर्म नहीं है, कुछ सिलेक्टेड स्टोर्स होंगे या सभी स्टोर्स भी आपको अवेलेबल किए जाएंगे, तो आपको जो है मार्केट के अंदर जनवरी के आखिर तक देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अब मैं कुछ आपसे बात कर लेता हूं क्या ये फोन अपनी प्राइस को, अपनी प्राइस के अंदर सबसे बेस्ट फोन है। दोस्तों अगर देखा जाए 8GB रैम के कॉम्बिनेशन 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, तो ऐसा कोई भी मिड रेंजर आपको देखने को नहीं मिलता है और ये काफी अच्छी चॉइस हो सकती है अगर आप चाहते हैं बहुत सी रैम और बहुत सी इंटरनल स्टोरेज। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं ऐसा भी कोई आपको एंट्री लेवल या बजट फोन नहीं मिलता है जिसके अंदर आपको डुअल बैक कैमरा का ऑप्शन मिले। तो इस फोन के अंदर रियलमी C1 के अंदर आपको डुअल कैमरा का ऑप्शन मिलता है, जो कि एक इंप्रूवमेंट है बजट फोन्स के अंदर, स्टार्टअप फोन्स के अंदर। दोस्तों यहां सामने की तरफ आपको नॉच भी मिलती है, एक बेटर डिस्प्ले मिलता है, बस कुछ इंटरनल्स की कमी है जैसे 2GB 16GB, लेकिन आजकल का जो नया यूजर है उसे इतनी ही रैम चाहिए, इसे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर स्टोरेज चाहिए भी होगी तो इसके अंदर आपको एक्सपेंड का ऑप्शन दिया गया, आप आसानी के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं। दोस्तों मेरी नजर में ये फोन्स काफी बुरे नहीं है, थोड़े से ओवर प्राइस आप कह सकते हैं कि इनकी प्राइस कुछ 2-2 या 3-3 हज़ार, आप रियलमी 2 प्रो का 4,000 कह सकते हैं, रियलमी C1 का 2,000 कह सकते हैं, इतना कुछ ज़्यादा आया है। लेकिन दोस्तों यहाँ प्राइस तो ज़्यादा है कुछ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टैक्स लग जाते हैं, कुछ इस तरह के कस्टम वाले मसले हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये मोबाइल फ़ोन अपनी प्राइस रेंज के अंदर अभी तक बेस्ट चॉइस हैं। कि जैसे मैंने आपको कुछ रीजन बताए कि मोबाइल फ़ोन पहले ऐसे फ़ोन हैं जिनके अंदर इस रेंज के अंदर ये फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो ये काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी गुड लुकिंग फ़ोन्स हैं इन रेंज के अंदर। और दोस्तों रियलमी का कहना ये था कि यूथ को हमारे फ़ोन काफ़ी पसंद आएंगे, तो ऐसा मैंने देखा है, यूथ को काफ़ी पसंद आएंगे क्योंकि दोस्तों फ़ोन जो है गुड लुकिंग भी है, अच्छी बॉडी डिज़ाइन और काफ़ी कुछ बहुत बेहतरीन बना दिया है कि हर किसी को पसंद है कि वाह क्या बात है, कौन सा फ़ोन पकड़ा है 1,00,000 वाला। तो मतलब कि काफ़ी अच्छे फ़ोन्स हैं अगर आप डिज़ाइन के वाले से बात करते हैं, या फिर आप बात करते हैं उनकी प्राइस के वाले से और बात करते हैं उनके परफॉर्मेंस के वाले से। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आप बाय करना चाहते हैं रियलमी C1 या रियलमी 2 प्रो, नीचे आपको लिंक दे दिया है daraz.pk का, वहाँ जाके उनको फॉलो कर लीजिए या फिर चेक करते रहिए कब आएगा, जब आएगा बाय कर लीजिए। दोस्तों इंशाल्लाह इस चैनल पर जल्द हम दोनों फोन्स की अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी प्रोवाइड करूंगा आपको, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं आपको नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।